नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों को शुंग वंश से संबंधित पॉइंट वाइज बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड थी कि शुंग वंश के बारे में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और पॉइंट वाइज बताया जाए, तो मैं उसको आज इसी पे चर्चा कर रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ। शुंग वंश बहुत ही अच्छा और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट और आईएसपीसीएस वगैरह में और आपके अन्य एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए चर्चा करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। सबसे पहले आता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगर पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था तो ये कौन था, सबसे पहले प्रश्न ये आता है। तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है। और ये किस जाति का था, प्रश्न उठता है। तो इसकी जाति के बारे में बहुत मतभेद है। पहला मत है कि ये पारसीक थे, पुष्यमित्र शुंग पारसीक था या शुंग पारसीक थे, ये मत किसने दिया है, ये मत दिया है हरप्रसाद शास्त्री ने। और हालांकि इन्होंने बाद में अपने मत का त्याग कर दिया। और दूसरा मत आता है कि ये मौर्य थे, तो ये मत देता है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान। अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। जैसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इनको ब्राह्मण साबित करते हैं, मालविकाग्नि मित्रम, बौधायन श्रौत सूत्र, जो इनको बैम्बिक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं, हरिवंश भी कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं और कहते हैं कि शुंग आचार्य होते थे, लाटायन श्रौत सूत्र, मैकडॉनल एवं कीथ, ये लोग भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे या शुंग ब्राह्मण थे। पतंजलि कहते हैं कि ब्राह्मण राज्य सर्वोपरि होता है और शुंग ब्राह्मण थे। तो टोटल निष्कर्ष ये निकलता है कि शुंग ब्राह्मण थे, यानी पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। तो पुष्यमित्र शुंग ने कैसे सिंहासन को प्राप्त किया। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। और इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसके स्रोत हैं पुराण, वायु पुराण एवं हर्षचरित। आखिर क्या जरूरत पड़ी पुष्यमित्र शुंग को, जो कि अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का सेनापति था, उसको क्या जरूरत पड़ी कि अपने मौर्य सम्राट या शासक की हत्या करने की। हत्या का क्या कारण था, कहते हैं कि मौर्य नरेश, मौर्य सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने कलिंग का एक युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, और ये कलिंग युद्ध के बाद इनके हृदय में परिवर्तन हुआ और इन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया साम्राज्य विस्तार के लिए। तो ये अगर आप, वैसे भी अशोक के बारे में पूरी जानकारी मैंने अपनी एक वीडियो में दी हुई है, वो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, देखे हैं तो आपको उसकी जानकारी होगी। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने शस्त्र का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उसके बाद जब तक अशोक जिंदा था तब तक तो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके राज्य पर आक्रमण करता, यानी मगध या पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, उसके उत्तराधिकारी आए, तो लोगों की, विदेशी आक्रमणकारियों की हिम्मत बढ़ने लगी और वो पश्चिमोत्तर भारत तक पहुंच गए। अंतिम मौर्य नरेश जो था बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग को यह बात सहन नहीं हो रही थी कि हम विदेशियों के गुलाम हो जाएं, तो वो था ब्राह्मण। आप लोगों ने देखा है अभी जाति के बारे में बात हुई है, तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण हालांकि देश के व्यवस्थापक होते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि कुव्यवस्था को देखकर ब्राह्मण को शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का शस्त्र उठाना उचित था, और उसने देखा कि विदेशी आक्रमण कर रहे हैं, पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार कर रहे हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म ही अपनाया जा रहा है, शस्त्र उठाया नहीं जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश
नहीं की जा रही है। तो ये देखकर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर दी। और क्यों हत्या की? वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, संस्कृति और सभ्यता के लिए उसने ये हत्या की। और हत्या करने के बाद उसने एक नए वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम पड़ा शुंग वंश। तो यहाँ पे ये कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कैसे की। बृहद्रथ एक दिन सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो वहीं पर जाकर पुष्यमित्र शुंग ने चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी। अब तिथि क्रम की बात करें कि कब से कब तक शासन किया है पुष्यमित्र शुंग, तो मौर्य नरेश जो वंश था वो 137 वर्ष तक राज्य किया। पुराण कहते हैं कि 185-84 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य वंश का अंत हुआ, और उसी इसका मतलब है कि पुष्यमित्र शुंग ने 26 वर्ष तक शासन किया। लेकिन थेरवली के लेखक मेरुतुंग के अनुसार उसने 30 वर्ष तक ही राज्य किया। एक प्रश्न और भी उठता कि उसने क्या राजा की उपाधि धारण की थी? नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की है। उसके लिए पुराण हर्षचरित मालविकाग्नी मित्रम अयोध्या अभिलेख में सेनापति उपाधि का ही प्रयोग मिलता है, या सेनानी का प्रयोग ही मिलता है। वो कभी भी उसने राजा महाराज या सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। तो राजा कौन था उसके शासनकाल में? तो राजा के लिए जो उपाधि मिलती है वो अग्निमित्र जो कि उसका पुत्र था उसके लिए उपाधि मिलती है। इसके बारे में शंकर पांडुरंग और विल्सन कहते हैं कि पुष्यमित्र कभी भी राजा ना हुआ था, शुंग वंश का सर्वप्रथम राजा अग्निमित्र ही था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने 30 वर्ष तक लगभग शासन किया है, तो उसने शासन व्यवस्था की देखरेख उसी ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। इसकी जानकारी पतंजलि के महाभाष्य मालविकाग्नी मित्रम और अयोध्या अभिलेख से भी मिलती है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक प्रश्न आता भी है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब प्रश्न उठता है कि पुष्यमित्र शुंग जब गद्दी पर बैठा, उसने शुंग वंश की स्थापना की, तो क्या उस समय उसकी आंतरिक स्थिति कैसी थी? तो आंतरिक स्थिति की बात करें तो उस समय जैसे कि जब कोई किसी की हत्या करता है तो उसके कुछ अनुयायी भी होते हैं। तो यहाँ पे एक विदर्भ का युद्ध हुआ सबसे पहले, तो विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। और कहते हैं कि यज्ञसेन जो अंतिम मौर्य नरेश था उसका मंत्री था, ठीक है। तो बृहद्रथ जब जिंदा था अंतिम मौर्य नरेश, उसी समय 2 दल थे, एक मंत्री का और दूसरा पुष्यमित्र शुंग का। तो जब देखा कि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के ही अंतिम मौर्य नरेश के शासनकाल में कि मंत्री का जो एक साला है यज्ञसेन, वो जो है कि विदर्भ का गवर्नर बन गया है, तो इसने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा की गवर्नरी जबरदस्ती दिलवा दी। तो जब बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, तो यहाँ पे क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग ने मंत्री को, जो बृहद्रथ का मंत्री था, उसको बंदी बना लिया। और फिर जो विदर्भ का राजा था, गवर्नर था यज्ञसेन, उसने अग्निमित्र को, पता है ना कौन है अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, अग्निमित्र के का एक दोस्त था माधव सेन, उसको बंदी बना लिया और दोनों एक दूसरे को छोड़ने की बात कहते हैं। अग्निमित्र कहता है कि मेरे मित्र माधव सेन को छोड़ दो, और जो यज्ञसेन वो कहता है मंत्री को छोड़ दो पुष्यमित्र शुंग से। इसी कारण दोनों में युद्ध होता है। और इसके बाद क्या होता है, विजय किसकी होती है? पुष्यमित्र शुंग की होती है। और विदर्भ राज्य 2 भागों में बट जाता है और उसकी सीमा निर्धारित की जाती है वर्धा नदी, जिसको वर्धा नदी भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कहते हैं क्या पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुए थे? हाँ, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुए थे। यवन आक्रमण के क्या क्या साक्ष्य हैं कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में यवन आक्रमण हुए थे? तो साक्ष्य में आता पतंजलि का महाभाष्य, जिसमें जानकारी मिलती है
कि यवन साकेत माध्यमिकाम और भारत में आ गए थे। गार्गी संहिता का युग पुराण है, मालविकांगनी मित्रम, इन सबसे ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवन आक्रमण हुए थे। तो यवन आक्रमण कितनी बार हुए थे? तो यवन आक्रमण दो बार हुए थे। और इस समय क्या थी, यवन दो भागों में बटे हुए थे, एक डेमेट्रियस वंश, दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। पहला डेमेट्रियस वंश था और दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश आप देख रहे हैं। तो डेमेट्रियस ने पंजाब में बैक्ट्रिया को, जो अफगानिस्तान में था, वहां पे सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ राजधानी बनाया डेमेट्रियस वंश वालों ने? अपनी राजधानी सियालकोट बनाया। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मिनांडर। डेमेट्रियस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मिनांडर, जिसने 165 से 145 ईस्वी तक राज्य किया। बौद्ध साहित्य में इसको मिलिंद के नाम से पुकारा गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मिलिंद के नाम से किस शासक को पुकारा गया है, तो डेमेट्रियस वंश के शासक मिनांडर को पुकारा गया है। कहते हैं इसके बारे में है कि मिलिंद पन्नो किसकी रचना है? तो मिलिंद पन्नो नागसेन की रचना है। एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन, उसने मिलिंद पन्नो की रचना की थी। मिनांडर और नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन में वाद विवाद होता है, जिससे मिनांडर इतना प्रभावित होता है कि उसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और उसी के उपलक्ष्य में नागसेन ने मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना की। कहती है कि मिनांडर सिकंदर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका वर्णन मिलता है। अब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का क्या अर्थ होता है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अर्थ होता है, पेरिप्लस का अर्थ होता है नौका चालन का मैप, और एरिथ्रियन सी का अर्थ होता है लाल सागर। भड़ौच गुजरात में बंदरगाह में, मतलब मिनांडर के सिक्के खूब चलते थे, इसका मतलब यहाँ तक इसका अधिकार था भड़ौच गुजरात तक। तो इसीलिए इसको कहा गया कि सिकंदर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग के ऊपर दूसरी बार में आक्रमण किया था और वो हार गया था। डेमेट्रियस भी हारा था और हार गया था, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। भाई दूसरा वंश आता है यूक्रेटाइड्स वंश। यूक्रेटाइड्स वंश जब देखता है कि डेमेट्रियस वंश इतना शक्तिशाली था और वो पुष्यमित्र शुंग से हार गया, तब ये कहता है कि ना बाबा, युद्ध नहीं करना चाहिए, और इसने युद्ध नहीं किया। यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी थी तक्षशिला। डेमेट्रियस वंश की राजधानी क्या थी? सियालकोट, साकल जिसको कहते हैं। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था एंटीआल्कस, और डेमेट्रियस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिनांडर। तो एंटीआल्कस यूक्रेटाइड्स वंश का राजा था। एंटीआल्कस, उसने अपना एक दूत हेलियोडोरस को, याद रखिएगा आता भी है क्वेश्चन, को विदिशा भेजा। क्यों भेजा हेलियोडोरस को विदिशा? एंटीआल्कस यूक्रेटाइड्स वंश का राजा एंटीआल्कस ने अपने दूत हेलियोडोरस को विदिशा क्यों भेजा? क्योंकि वो वहाँ पे गरुण स्तंभ भिजवाता है, वहाँ पे लगवाता है और विदिशा में, और जो कि विष्णु भगवान की वंदना करता है और वो विष्णु भगवान को पूरी तरह से समर्पित है। तो एंटीआल्कस ने किस शुंग शासक के शासनकाल में अपना एक दूत हेलियोडोरस नाम का अपना एक दूत विदिशा में भेजा था? तो इसका आंसर है शुंग वंश के नवे राजा भागभद्र के दरबार में एंटीआल्कस ने अपना एक दूत हेलियोडोरस नाम का भेजा था विदिशा में, और इसने बेस नगर का गरुण ध्वज स्तंभ अभिलेख स्थापित किया था जो विष्णु भगवान को समर्पित है। शुंगो, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, तो क्या उसने अपनी राजधानी बदलती थी? हाँ, उसने अपनी राजधानी बदल दी थी। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि पाटलिपुत्र में भाई उसके बहुत सारे विरोधी उत्पन्न हो चुके थे। तो उसने क्या किया, क्योंकि उसने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या की थी, तो बहुत सारे विरोधी भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, जो मौर्यों को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो वो जो है कि उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा कर दी थी। कहते हैं कि ये इसको पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक भी कहा गया है। कहते हैं कि इसने 84,000 स्तूपों का विनाश किया है 184 ईस्वी में।
और 84,000 स्तूपों का विनाश करने वाला पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। दिव्या वदान कहता है, किस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती? दिव्या वदान कहता है, जिस प्रकार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराकर ख्याति प्राप्त की थी, उसी प्रकार ब्राह्मणवादी पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त करके ख्याति प्राप्त की थी। उसने जितने भी अशोक के स्तूप थे, 84,000 स्तूप थे, उसको विनाश कर दिया, लेकिन कुक्कुटाराम विहार को वो नष्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं नष्ट कर पाया? पाटलिपुत्र का कुक्कुटाराम विहार था, बौद्ध विहार, उसको पुष्यमित्र शुंग नष्ट नहीं कर पाया। 3 बार वो नष्ट करने गया, लेकिन वो उसको नष्ट नहीं कर पाया। क्या कारण ऐसा था? तो कहते हैं कि तुमुल सिंहनाद हुआ, जब भी वो नष्ट करने गया पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम विहार को, तो वहां तुमुल सिंहनाद के कारण वो डर गया और डर कर भाग गया। तो इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने, कहते हैं कि बाद में उसने बौद्ध धर्म, चूंकि 84,000 स्तूप उसने विनाश किया, लेकिन भाई बाद में मूड चेंज हो जाता है, तो उसने मूड चेंज करके बाद में बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था। और पुष्यमित्र शुंग के कुल 9 उत्तराधिकारी थे, यानी उसको लेकर कुल 10 नाम मिलते हैं। पहला नाम है पुष्यमित्र, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वसुज्येष्ठ, चौथा वसुमित्र, पांचवा आंध्रक, छठा पुलिंडक, सातवा घोष, आठवां वज्रमित्र, नौवां भाग, दसवां देवदूत। अब आपको जो जानकारी मिलेगी वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अब मैं बताने जा रही हूँ। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 7 दिनों का नाम किसके आधार पर रखा गया है। हाँ, 7 ग्रहों के आधार पर रखा गया, लेकिन इन्होंने किससे सीखा? भारतीयों ने 7 दिनों का नाम 7 ग्रहों के आधार, यूनानियों से सीखा, यानी यवनों से सीखा इन्होंने 7 दिनों का नाम 7 ग्रहों के आधार पर रखना। और कहते हैं कि इस काल में बहुत सारे काम भी हुए हैं, जैसे कि पतंजलि जो थे वो किसके राजगुरु थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु थे और उन्होंने महाभाष्य लिखा हुआ था। पतंजलि ने किस ग्रंथ पर महाभाष्य लिखा था? तो पतंजलि ने पाणिनी के अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखा था। पाणिनी किसके दरबारी कवि थे? तो पाणिनी जो थे, लेखक थे, वो महापद्मनंद, नंद वंश आपने पढ़ा है ना, नंद वंश महापद्मनंद के दरबारी लेखक थे और उन्होंने वहां पे व्याकरण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, और वहीं से हम लोगों ने व्याकरण सीखा है। तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उन्होंने देखा कि बहुत कठिन है पाणिनि की अष्टाध्यायी, तो उसको सरल बनाने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और सरल भाषा में लिखा। मनुस्मृति को भी मानते हैं कि दूसरी ये पॉइंट है कि मनु 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में थे और पुष्यमित्र भी यही समकालीन माना जाता है। तो डॉक्टर जायसवाल एक इतिहासकार, वो मानते हैं कि ब्राह्मण पुनरुद्धार की बात मनुस्मृति में कही गई है, इसका वर्तमान संस्करण भी इसी के काल में किया गया है। महाभारत का परिवर्धन भी इसी काल में हुआ है, क्यों आप लोग जानते ना, महाभारत का पहले नाम जय संहिता था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत, अंतिम जो परिवर्धन हुआ है वो शुंग काल में ही महाभारत का हुआ है। और दिव्यावदान बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। यहाँ पे इसने बहुत सारे, चूंकि बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था बाद में पुष्यमित्र शुंग ने, तो इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। कला के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं पुष्यमित्र शुंग ने। कहते हैं कि 7 फीट ऊंची परिवेष्टनी का निर्माण पुष्यमित्र, हालांकि इसका जो है कि स्तूप तो अशोक ने निर्मित करवाया था, लेकिन इसकी परिवेष्टनी इसनी ने बनवाई थी। सांची स्तूप का उसने उसमें सुधार किया है। बोधगया स्तूप में इसने काफ़ी उसके पाषाण आवरण प्रदान किए हैं, सांची स्तूप को पाषाण आवरण प्रदान किए हैं। और जो भरहुत स्तूप की परिवेष्टनी है वो तो अब नहीं मिलती है, लेकिन उसके जो पार्ट हैं जो कि पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था 7 फीट ऊंचा, वो कलकत्ता संग्रहालय में है, जिस पर लिखा हुआ सुगन रजे, इसका मतलब इसको शुंगों ने बनवाया था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी
उसने निर्माण करवाया, जैसे कि विदिशा का गरुड़ ध्वज, भाजा का चैत्य एवं बिहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले के चैत्य भी उसने बनवाए, मथुरा की अनेक यक्षी यक्षिणियों की मूर्तियां बनवाई। और कहते हैं कि तारों को देखकर नक्षत्रों के आधार पर गणना करना इन्होंने भी यूनानियों से ही सीखा है कि नक्षत्रों की गणना किस प्रकार से किया जाए, ये भी सीखा। ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और कला वगैरह के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए। इनके काल की जो ताम्र मुद्राएं मिलती हैं वो अग्निमित्र की मिलती हैं, और जो वसु ज्येष्ठ यहाँ का शासक था, आपको मैंने अभी शासकों के बारे में बताया था, वसु ज्येष्ठ जो तीसरा शासक था उसके सिक्कों पर लेख भी मिलते हैं, ज्येष्ठमित्र लेख भी मिलते हैं। और संस्कृत भाषा की भी इनके काल में काफ़ी उन्नति हुई है स्तूपों पे, और अयोध्या अभिलेख जो कि धन देव का है, अयोध्या अभिलेख, तो उस पर भी संस्कृत भाषा के बारे में काफ़ी उन्नति कराई है, की गई है इसका इसके काल में। और इनके काल में सिक्कों पर भी जो लेख है यवनों ने ही सबसे पहले प्रारंभ किए हैं लिखना, इन यवनों के जो सिक्के मिलते हैं उस पे ही लेख वाले सिक्के जो है सबसे पहले यवनों के ही मिले हुए हैं। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण वंश के पुनरुद्धारक थे और ब्राह्मण वंश की स्थापना की, और इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है और काफ़ी काम भी किया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना हुई थी कण्व वंश की। तो इस कण्व वंश की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी, अन्य वीडियो में। और मुझे लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यार इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको नए नए वीडियो मिलते हैं और कमेंट वगैरह से मुझे जानकारी मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कैसा लगा आपको वीडियो, और आपके प्रोत्साहन से मैं आगे भी वीडियो बनाती रहती हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि और कोई भी लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।